की वर्किंग में पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर जो है हमने 13 करना है पार्ट ए इसका पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास है 7,46,028 को हमने डिवाइड करना है 38 पे। तो हमारे पास टू डिजिट हैं डिवीजन जिसको जिससे करना है, तो फर्स्ट टू डिजिट लेंगे 74 है, तो 38 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 76 आ जाता है, इसलिए हमने 38 राइट करेंगे। 4 में से तो 8 माइनस नहीं होते, इसलिए हम 40 कैरी लेंगे 1, और 14 में से 8 माइनस करेंगे यहाँ पे रह जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, 6 में से 3। अब ये 36 है, 36 38 से छोटा है इसलिए हम ये वाला 6 भी नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा 366। अब 38 है इसको हम डिफरेंट जो है मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 366 आ जाए या इससे छोटा। 38 टू ज़ा तो हमें पता है कि 76, 3 से करेंगे तो 114, 4 से करेंगे तो 152। अब स्टूडेंट हमें पता चला कि 4 से करने से 152 आ रहा है, हालांकि हमें 366 चाहिए, तो इसका मतलब है किसी बड़ी अमाउंट से करते हैं। तो 38 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 आ जाएगा। 304 भी थोड़ा कम है, इससे भी आगे जा सकते हैं। 9 से करेंगे तो 342 आए, जो कि इसके नियर बाय करीब करीब है। तो 38 9 ज़ा 342, माइनस किया 6 में से 2 4 और 6 में से 4 2। अब ये 24 था, ऊपर से हमने 0 ले लिया, अब ये हमारे पास है 240। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो जब हम 4 पर पहुँचे थे तो 152 था, देन अब हमने उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 228 आ जाएगा। 228 240 के करीब करीब है, इसलिए हम 228 राइट करेंगे। 38 6 ज़ा 228। 0 में से 8 माइनस नहीं होता, 10 में से 8 माइनस किए 2, 3 में से 2 1, अब ये 12 था, ऊपर वाला 2 नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास है 122। अब 122 में अब हमने देखा कि हमारे पास जो करीब तरीन अमाउंट आ रही है वो है 38 3 ज़ा 114, जो कि हमने यहाँ पर राइट कर दिया। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर 1 बच गया था, 1 में से 10, 1 में से 10, अब ये 8 था ऊपर वाला, ये लास्ट डिजिट रह गया 8, अब हम इसको नीचे ले आएंगे। अब ये हमारे पास 88 है, तो 38 2 ज़ा 76 जो है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। 8 में से 6 माइनस किए 2, 8 में से 7 1, 88 और 76 माइनस किया 88 में से, तो 12, अब 12 38 से छोटा है तो ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 19,632, रिमाइंडर 12। स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट जो है वो बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास है 8,932 को हम डिवाइड करना है हमने 535 से। अब स्टार्ट है, थ्री डिजिट हैं तो हम यहाँ पर भी थ्री डिजिट ही लेंगे, तो ये थ्री डिजिट लेंगे तो ये 528 इससे छोटा हो रहा है 535 से, तो अब हमने फोर्थ डिजिट भी साथ में ऐड कर लिया, तो अब ये काफ़ी बड़ी अमाउंट बन गया, ये बन गया 5,289। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 535 से। अब ये 5,000 है, ये 500 है, तो यकीनन किसी बड़ी अमाउंट से ही इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसको पहले 8 से, पहले हमने 5 से करके देखा तो 2,675 आया, जो कि बहुत छोटा है 5 से। फिर हमने 8 से करके देखा तो 4,000 आया, जो कि अभी भी मतलब थोड़ा सा कम है इससे। 9 से किया तो 4,815 आया, जो कि इसके करीब अमाउंट है, तो अब हम ऊपर 9 लिखा 4,815। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 में से 1 7, अब 2 में से तो 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 8 4, अब ये हमारे पास आ गया 474। ये छोटी अमाउंट है, ये बाहर बड़ी अमाउंट है, तो अब हम इसे 3 भी नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास है 4,743, इसके करीब हमारे पास जो अमाउंट है वो है 535 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 4,280। ये यहाँ पर राइट करेंगे, 3 में से 0 माइनस किए 3 एज इट इज़, 4 में से 8 माइनस नहीं होते, कैरी लेंगे 14, यहाँ 6 बच जाएगा, 14 में से 8 माइनस किए 3,
सिक्स में से टू, फोर। अब स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 463 है और यहाँ पर हमारे पास 535 है। अब हम ऊपर से भी टू जो है नीचे ले आएंगे। अगेन 8 से मल्टीप्लाई किया, 4280 आ गया। माइनस किया 2 में से 0, 2, 3 में से 8 माइनस नहीं होते, कैरी लेंगे। 13 में से 8 माइनस किया 5, यहाँ पर 6 था, 6 को जो हमने यहाँ पर 5 बच गया, 1 यहाँ कैरी चला गया था। 5 में से 2 माइनस किए 3, तो 352 हमारे पास रिमाइंडर, मतलब 988 रिमाइंडर 352 हमारे पास आंसर।